भगवा रंग से रंगा बेतिया शहर। परिवर्तन तक न्यूज नेटवर्क से पप्पू कुमार का रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया शहर गुंजा जय श्री राम के नारों के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा गीता जयंती शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर जिला के बेतिया शहर में शांति एवं शौर्य का परिचय देते हुए पद यात्रा रैली निकाला गया, जिसमें बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने गिरुए वस्त्र में लीन होकर हिस्सा लिया। यह पद यात्रा सरस्वती शिशु बालिका विद्या मंदिर राजदेवड़ी से निकल मीना बाजार रेड क्रॉस जनता सिनेमा रोड तीन लालटेन होते हुए कालीबाग मंदिर तक चला। इस पद यात्रा में कार्यकर्ताओं के अंदर सनातन धर्म के प्रति जोश और जज्बा को देखा गया। वहीं कई सारे कार्यकर्ता काशी अयोध्या जारी है मथुरा अभी बाकी है के नारे लगाते हुए देखे गए। हालांकि यह पद यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस पद यात्रा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं संगठन के मुख्य कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। कि गीता जयंती के अवसर पर यह शौर्य पथ संचलन का कार्यक्रम आज हुआ, जिसमें चंपारण के विभिन्न प्रखंड पंचायतों से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह एक ऐसा संचलन था जिसमें हमको समाज को यह संदेश देना था कि राम जन्मभूमि का जो हम लोगों का एक अरसे से मांग था वह पूर्ण हुआ, उसका काम चल रहा है, लेकिन अभी मथुरा और काशी बाकी है। हिंदू समाज, हिंदू जनमानस के मानस पटल जन जन तक यह संदेश जाए कि हम लोग अब मथुरा के लिए कुछ करेंगे, जो कुछ बन पड़ेगा हम अपने बजरंग दल के माध्यम से मथुरा को मुक्त कराने के लिए हम वह प्रयास करेंगे। मैं विनय कुमार, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। मंच पर विराजमान विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के अधिकारी वृंद, आज मुझे स्मरण हो रहा है कि जब मेरे ऊपर विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री का दायित्व था तो बेतिया में एक कार्यक्रम हुआ था, संभवतः आप सब लोगों को स्मरण होगा, और वह कार्यक्रम था शिला पूजन का। बहुत सारी शिलाएं लाखों की संख्या में यहाँ आई थी और उनके पूजन का कार्यक्रम हुआ था, और यहाँ से हम संचलन करते हुए पूरे नगर का परिभ्रमण करते हुए पुनश्च इसी स्थान पर वापस आए थे। आज का जो संचलन है ये पूरे देश में हो रहा है और अभूतपूर्व है। हिंदू शक्ति एक बार पुनः अपने सामर्थ्य के साथ खड़ी हो और पूरे विश्व को ये संदेश जाए कि हिंदू जब जगेगा तो पूरा विश्व जगेगा। अयोध्या का कार्यक्रम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर उस ढांचे को हटाकर पुनश्च मंदिर निर्मित हो, इस दृष्टिकोण से दो बार प्रयत्न हुआ और अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेशानुसार समिति बनी और वह कार्य प्रारंभ हो गया। हम सब ने वचन लिया है, वैसे तो 3 करोड़ हिंदू मंदिर हैं जिनको तोड़ करके उन पर दूसरा निर्माण किया गया है, लेकिन अभी हमने
ईश्वर की कृपा से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा से, आशीर्वाद से पहला काम शुरू हुआ है और मंदिर बनने का काम प्रारंभ है। और मंदिर भी कैसा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी चीजें, सारी सुविधाएं वहां बन रही है। बहुत सारे बंधु जाकर के अयोध्या आए हैं और उन्होंने जो वर्णन किया है उनको देख करके लगता है कि हम सब ने भी पुनश्च वहां जाना चाहिए। आप सब साक्षी बनेंगे। अब इसके पश्चात काशी का कार्य प्रारंभ हो चुका है और बीच में मथुरा का भी कार्य थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो प्रारंभ हो चुका है। सरकार भी जानती है कि हिंदू शक्ति जगेगी तो ये जो हमारे प्रेरणा के स्थल हैं, ये जो हमारे आराध्य के स्थल हैं, इन तीनों की मुक्ति होगी। एक की हो चुकी है, दो की होनी बाकी है। काशी हम जाते हैं और जब ज्ञानवापी को देखते हैं और पीछे मंदिर के भाग को देखते हैं तो मन में एक टीस उठती है कि काश उस समय ऐसी युवा शक्ति जगी होती तो काशी का ऐसा हाल औरंगजेब नहीं कर पाता। परंतु अब किसी दूसरे औरंगजेब को पनपने देने का प्रश्न ही नहीं है। दूसरा समाज भी समझ रहा है कि हमें यदि जीना है तो इनके साथ ही जीना है। एक बार यहाँ एकत्रीकरण और हुआ था जब हमारी सरस्वती की प्रतिमा तोड़ी गई थी, हमारे मांगू राउत को मारा गया था और नगर में भ्रमण के समय में हम पर पत्थर फेंके गए थे, गर्म पानी फेंका गया था। उस दिन भी कालीबाग में ही एकत्रीकरण हुआ था और लगभग 10,000 लोगों की संख्या में हिंदू समाज उपस्थित था और उस समय तत्कालीन DIG रामचंद्र खान और SP अशोक गुप्ता यहाँ विराजमान थे कालीबाग चौक पर। वह दृश्य भी लोगों ने देखा है। इसलिए अपनी हिंदू शक्ति के जागरण के इस पर्व पर हम सब प्रतिज्ञा लेंगे कि नियमों के अंतर्गत रह करके विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में, बजरंग दल के मार्गदर्शन में जो भी हमको आदेश मिलेगा उसका हम सहर्ष पालन करेंगे और अधिकारी वृंद जो भी हमको आज्ञा देंगे उसको हम सहर्ष मानेंगे। क्यों? क्योंकि अनुशासन अत्यंत आवश्यक है।